ये भाई हो भाई, तू भी एक डेढ़ घंटा कहीं ना, मैं तो सोचा अभी मेट्रो में ही जाना शुरू। चलो माइक में आएंगे। हेलो एवरीबॉडी, हाय, कैसे हो आप? कैसे हो आप? फाइनली मुनावर जीत गया है। नाम थोड़ा फाइनली मेरे दो बॉयज अभिषेक और मुनव्वर फाइनल टू में आए, जैसे मेरा दिल था। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। और मैंने हमेशा ये कहा था कि हाथ किसी का भी उठे मैं खुश हूँ। एज फार एज मेरे दोनों दोस्त सलमान सर के लेफ्ट और राइट में खड़े रहे, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड, इट इज़ सो अमेजिंग। एंड हाँ, और मुनव्वर जीत गया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। दोनों डिजर्व करते थे, मिलना एक ही को था। मैम काफी लोग ये बोल रहे थे टॉप टू में मुनव्वर और अंकिता रहेंगी, बट अंकिता टॉप फोर में थी और टॉप थ्री में मनारा, मुनव्वर और अभिषेक। तो आपको शॉकिंग लगा ये देख के? अ लिटिल यस, कि मनारा और अंकिता में टॉप थ्री में, डेफिनेटली आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि टॉप थ्री में। मैंने हमेशा कहा कि अंकिता, मुनव्वर, अभिषेक, यू नो आई ऑलवेज टुक दीज थ्री नेम्स। सो यार दैट वॉज शॉकिंग, बट अब वो क्या ही बोले, अभी हमें भी नहीं पता यार उसके पीछे का राज। बट हाँ, शॉकिंग ज़रूर था कि अंकिता टॉप थ्री में नहीं आई, बट वेल शी डिड अ गुड जॉब, शी प्लेड वेल। जो अपने टेलीविजन के एक्टर्स हैं वो घर घर में रहते, लेकिन उन्हें वोट बहुत कम आवे। क्या कहना चाहोगे? जैसे नील भट्ट टॉप एक्टर थे, घूमे किसी के प्यार में, नंबर वन शो स्टार प्लस का था, आपने भी किया है। अरे भाई मेरे तो सोशल मीडिया पे जाइए ही मत, मैं बहुत सिंपल। लेकिन घर घर में लेकिन लोग वोट कर रहे। देखिए बात वही है ना, हम जो टीवी सीरियल्स करते हैं हमारी ऑडियंस क्या है? मतलब जो घर में जो विमेंस रहती है वो लोग कम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो लोग हमारी तरह इतना सोशल मीडिया से कनेक्टेड है नहीं। हाँ है ना। और अब मुनव्वर, ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब सोशल मीडिया वाले लोग हैं भैया, ये तो अलग ही दुनिया है। जो मैं ऑनेस्टली थैंक्स टू बिग बॉस मैं खुद पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो वो टीवी ऑडियंस ही correct, थी correct. तो मैंने भी कभी इतना सोशल मीडिया पे उतना ये तवज्जो नहीं दिया, बट बहुत अलग दुनिया है भैया, बहुत बड़ी दुनिया है ये सोशल मीडिया की। तो मज़ा आ रहा है, डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली इंजॉय कर रही हूँ बींग अ पार्ट ऑफ इट, एंड ग्रैटिट्यूड टू बिग बॉस की, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। सो थैंक यू। बनाना तो बंद नहीं करेंगे अभी, मतलब रील्स बनाना, मतलब आप स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया के लिए, मतलब फैंस के लिए? करना पड़ेगा ना, करना जरूरी है, जरूरी है, डांस करना जरूरी है। इसके बाद बिग बॉस के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में हम देखेंगे आपको अदर देन टीवी? आपके उनमें घी शक्कर, जैसे ही कुछ भी डॉटेड लाइन साइन होगी आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग के सहारे के बिना तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला है भैया। देर कहते ना, देर आए दोस्त आए, मुझे देर से समझ में आया पर आ गया। थैंक यू सो मच। साथ में फोटो करते थे, साथ में फोटो तीनों का कर ले पहले। शी इज ऑलवेज तीनों का साथ में साल हो गए। मैं वेट तीनों का साथ में फोटो करते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, फोटो करते हैं भाई। ये लुकिए प्लीज सेंटर। आज मुंबई को पता चल गया कि ब्रेक वो निकल रही है, क्या बात, पूरा हाईवे भर दिया गाड़ी से। ये लुकिए, मैं भी कितनी चैप्टर हूं इधर तक बुला के गई। ये तीन का सरका इधर आ जा तू, आना मैंने बिग बॉस जिग्ना मैम फाइनली मुनव्वर शो जीत चुके हैं, टॉप
बेस्ट फ्रेंड ही थे अभिषेक, तो कैसा लग रहा है फाइनली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम चाहते थे वही हुआ। कांग्रेचुलेशंस मुनावर, एंड ऑब्वियसली वेल डन, आई थिंक ही वुड बी द विनर। मारुपुरो रिस्पेक्ट, मारुपुरो। रिंकू मैम, व्हाट डू यू वांट टू से? What I want to say for Munavar's win, that मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने बहुत सपोर्ट रहा है मुनावर के लिए। वो पहले से ही था, पहले से ही था, मैंने हमेशा ये कहा कि मुनावर और अभिषेक टॉप टू में आएंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जैसे जैसे मैं ये पाँच से चार, चार से तीन, तीन से दो पे आए, तो वो जिस ऑर्डर में गया, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। इनफैक्ट तहलका भाई मेरे बाजू में बैठे थे और वो ऐसे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आई सेड ऐसा ही होगा, आई सेड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग फ्रॉम मेनी डेज दैट इट्स गोना हैपन। हम लोग को ऐसा था ना, बिग बॉस ने तो बहुत डंके की चोट पे बोला था वो बायस्ड है, बायस्ड है ये सीजन, तो मैं भी कहीं ना कहीं बायस्ड, हम लोग भी बायस्ड, बिग बॉस ने हमें बायस्ड बना दिया और अच्छा बनाया, क्योंकि जो हम चाहते थे मुन्ना और अभिषेक। आई एम वेरी ग्लैड कि मुन्ना और अभिषेक से इतनी अच्छी दोस्तों, ही अच्छे लड़के हैं, यू नो, गुड पीपल एंड गुड पीपल कनेक्टेड, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड अभिषेक, आई लव यू, आई होप टू सी यू सून। दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, हर एक की लाइफ में ऊपर नीचे आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को जज करना चाहिए। सबको टाइम दो, सबको सब चीज़ समझने दो। दोनों बच्चे मुझे 100% श्योर है कि बहुत कुछ बिग बॉस से सीख के आए हैं और टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होने वाले हैं। मैम, आपने बिग बॉस यूज़ कर लिया है तो क्या नजर मत लगाओ, क्या यूज़ कर लिया? वेट लॉस बहुत बहुत यूज़ कर लिया। अरे अभी बिग बॉस के घर में लूज़ किया, अब यहाँ खा खा के वेट आ रहा है वापस, डर लग रहा है। आई नो, वापस मोटे ऐसा लगता है, बिग बॉस डाइटिंग के लिए वापस बुला ले 15-20 दिन। इट्स वेरी गुड, हम भी कंपटीशन दे ही सकते हैं ना, सब लोगों को दे सकते हैं। नो नो, इट्स वेरी गुड फीलिंग टू बी, यू नो, बैक विद ऑल द न्यू बिगिनिंग्स इन लाइफ, न्यू एवेन्यूज आर ओपनिंग, सो इट्स बहुत पॉजिटिव। आप लोग सबके का साथ है, and to meet Salman Khan was very honor as well, to be honest. That was amazing. What a dream come true tha, Salman sir se. Salman sir se interaction jo bhi hua, life mein aur kya, maine bola tha jis din main andar gayi, ek time tha 10th ke exam pass karke hum log, maine Pyar Kiya Hai picture dekhne gaye the, wahan se jab main nikli tabhi wo Baaghi ke liye shoot kar rahe the, wo din aise hi bystander ke saath dekha aur stage पे उनके साथ खड़ा रहना, तो ये फैन मूवमेंट वाली बात थी। यस, बहुत अच्छा लगा। अरबाज सर से, सोहेल सर से मिलके बहुत, मैंने तो अरबाज सर को भूल भी दिया कि सर यू आर टू गुड। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है।